देखिए जानी तो ये जो है ये देखिए आपकी बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है वो छोटी दी हुई है बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी केमिस्ट्री आप कंटिन्यू करने वाले हैं नाइन टेंथ में उसके बाद साइंस ही कंटिन्यू करने वाले हैं तो एक बार थोड़ा जोर लगा के इसको ऐड कर लीजिए क्रैम कर लीजिए तो लिथियम पोटेशियम बेरियम कैल्शियम सोडियम मैगनीजियम एलुमिनियम कार्बन जिंक कारन निकल टेन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर कोल्ड प्लेटिनम ये बड़ी वाली सीरीज है आपकी बुक में छोटी सी दी हुई है एंड यू नीड टू ट्रस्ट मी ऑन दिस फॉर सम टाइम कि आप लंबी कर लेंगे या तो आपका फायदा हो जाएगा आपकी बुक में यहीं कहीं एक छोटी सी ये दी हुई है ठीक है कंसेप्ट मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ बाकी ये बता देता हूँ कि बड़ी वाली याद कर लीजिए तो बेसिकली यार जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं जो रिएक्शंस हैं वो उतने मतलब नीचे वाले लोग जो हैं वो रिएक्शन करते नहीं बात ही नहीं करते मेरी बात समझ आ रही है तो ये लोग जो हैं ये जो लोग हैं ये मिस्टर जानी मिस्टर जानी का वो फ्रेंड मिस्टर वीर तो ये सारे बहुत रिएक्टिव लोग हैं इनको आपने छोड़ दिया तो मतलब फोड़ देंगे एकदम मतलब अकेले इनको छोड़ नहीं सकते बिफ़ोर यू नो घर का टेबल चेयर फर्नीचर पोस्टर टूटने शुरू हो जाएंगे ये जो नीचे वाले जो हैं शांत लोग हैं ये ज्यादा सोर्सराबा नहीं करता वन ऑफ द रीज़न आपको कोई क्वेश्चन है ओके सो वन ऑफ द रीजन ऑफ थोड़ा ध्यान से समझिए वेरी इंटरेस्टिंग मुझे जब पहली बार पता चला था मुझे बड़ा अच्छा लगा था आई डोंट नो यू मे नो नो इट और मे नॉट नो इट आई डोंट नो योर रिएक्शन इवन बट द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम वन ऑफ द रीजन दैट दे आर सो कॉस्टली इज बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न दिस द दिस इज द फर्स्ट रीज़न विच मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये एक्सपेंसिव है इसलिए बिकॉज ये रिएक्ट ही नहीं करते और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अस अज्यूम मिस्टर जानी के फोर फादर्स थ्री थाउजेंड ईयर्स बैक उन्होंने मिस्टर जानी के लिए एक गोल्ड पॉट छोड़ा था सूरत में एक घड़े में सोने के सिक्के डाल के छोड़े हुए थे उस पर नाम लिखा था मिस्टर जानी का तो जानिए अगर सूरत में आज जाते हैं और वहां स्लिप लगी हुई है मिस्टर जाने के नाम की तो वो जो सोने के सिक्के हैं जो गोल गोल्ड कॉइन्स हैं वो अनरिएक्टेड होंगे वो ऐसे के वैसे में वहाँ पड़े होंगे समझ पा रहे हैं आप बोल यार इट इज़ वेरी हेल्पफुल तू सोचने की कोशिश कर जो तेरी ब्रेड है ना वो चार दिन में खराब हो जाती है अब मैं तुझे तो एक चीज़ बताऊ मेक अ फूड हेल्दी फूड विच कैन सर्वाइव फिफ्टी ईयर्स तो तूने मतलब फॉर्मूला क्रैक कर लिया एक ऐसा खाना जो पचास साल तक खराब नहीं होगा आई एम सेल्दी सो जो चीज जनरेशन ऑन जनरेशन ऑन जनरेशन जा सकती है विदाउट रिएक्टिंग इट बिकम्स वेरी वैल्यूएबल बिकॉज वो लेट अज्यूम मिस्टर जानी आपके किसी फोर फादर्स ने कुछ एक ट्रेड किया थ्री हंड्रेड इयर्स बैक और वो जो ट्रेडिंग किया वो गोल्ड क्वाइंस में ट्रेडिंग किया पैसा नहीं था रुपी नहीं था गोल्ड कॉइन में किया उस टाइम का जो ट्रेड है वो आज भी तू उसका प्रॉफिट ले सकता है बिकॉज दे है ट्रेडेड इन गोल्ड क्वाइंस और वो गोल्ड क्वें तू यूज कर सकता है आज आर यू गेटिंग द पॉइंट अरे यार तू मुझे पढ़ाने का ना मैं तुझे एक घंटा पढ़ाता हूँ तो तू मुझे एक ब्रेड 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 लोफ 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 देता है 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 यू गिव मी अ समझ रहा है ना वो जो है, वो जो तो मुझे एक दो दिन में खाना ही है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा बट देन फॉर एवरी लेक्चर ऑफ माइंड यू गिव मी अ स्मॉल गोल्ड कॉइन वो जो गोल्ड कॉइन है यार मैं अगले पांच सौ साल तक यूज कर सकता हूँ ट्राई टू थिंक ओवर इट आई एम सॉरी ऑफकोर्स वैल्यू इंक्रीजेस उसमें भी दो मिनट उसमें मैडम मिजानी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ चीज़ें तो जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है जैसे प्लेटिनम जो है वो अर्थ पे जो प्लेटिनम मिलेगा आपको वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा अनलेस एन अनटिल आपने कोई प्लान ढूंढ लिया जहाँ प्लेटिनम का बहुत माइनिंग हो रही है जैसे वन ऑफ द रीजन ये मस्क और ये सब मार्च वगैरह में जाना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ चीज़ें हैं जो ये लाना चाहते हैं जी हाँ बोलिए शाबाश बोलिए 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 अरे यार इसमें ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है वो कुछ जो सोर्सेज हैं वो ऊपर डाल देते हैं कुछ नीचे डाल देते हैं ये सब चलता रहता है बट वट वी नीड टू मोटा मोटा वी नीड टू अंडरस्टैंड की ये पीडिक टेबल में वो अल्कली मेटल्स वाले हैं और ये बहुत रिएक्टिव है बाकी ऊपर नीचे चलता रहता है चिंता मत कीजिए इसका एक्चुअली जो बेस्ट जो मेजर है ना वो एक रिडक्शन पोटेंशियल करके एक टेबल आता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं आप क्लास इलेवंथ में करेंगे उसमें इसको नंबर दिया जाता है वो जो है वो फाइनल है वो इलेवंथ में आप करेंगे इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, आ, न, न, है एक टेबल है मैं आपको दिखा दूंगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराया जाता है उसमें नंबर्स दिए जाते हैं कुछ रिडक्शन पोटेंशियल करते हैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज बोलते हैं उसमें एग्जैक्ट नंबर आते हैं दैट इज़ ये थोड़ा ओपन नीचे आगे पीछे चेंज कर पा रहा था जानी तेरा क्वेश्चन क्या था अच्छा हाँ ठीक है अब देखिए यार कुछ एक दो इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको और स्टोरीज बताऊँ कुछ ये चीज़ें वो है जो कि मुझे ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल साइंस तो ठीक है यार ऑन पर्सनल लेवल बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है सो so, एक बहुत फेमस स्टोरी है एलमिनियम की सो so, एक टाइम एलमिनियम देखिए वन ऑफ द रीज़न मैं थोड़ा इस इसमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहता हूँ और इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ वो इसलिए कि एक टॉपिक हम क्लास नाइन्थ में देखिए एक तो ये है कि क्लास नाइन्थ में ये फिर से आएगा तो अक्टूबर के बाद आपको जो नई बुक आपकी आएगी उसमें ये आएगा अब मैं इतना भाई ज्ञान नहीं दे सकता है ना आपके मुंह पे ये लेक्चर मार दिया जाएगा और बोला जाएगा कि देख के आओ है ना शायद टेस्ट ही ले लिया जाएगा अब एक और टॉपिक आप क्लास नाइन्थ में करने वाले हैं मेटलर्जी का तो मेटलर्जी की एक बड़ी फेमस स्टोरी है बहुत ही फेमस स्टोरी है वो ये स्टोरी है कि एक टाइम एल्यूमिनियम मिजानी बहुत कॉस्टली होता था एल्यूमिनियम जो है बहुत कॉस्टली होता था मतलब नेपोलियन के यहाँ पर जो डिनर करने जो उसके एकदम मतलब राजा महाराजा आते थे ना वो एल्युमिनियम की प्लेट्स में खाना खाते थे समझ पा रहे हैं आज एल्युमिनियम की मम्मी आपकी खाने को रोटियों को रैप करती है एल्युमिनियम फॉल्स मम्मी नहीं यूज करती तो आज इसका डर्ट चीप है बट इमेजिन कीजिए नेपोलियन के यहाँ जो मतलब एकदम खासम खास लोग थे वो एल्यूमिनियम की प्लेट्स में खाना खाते थे उसका रीजन ये था कि उस टाइम एल्यूमिनियम Uh, ऐसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम की मेटलर्जी एल्युमिनियम को निकालना और से निकालना बहुत कॉस्टली था जो प्रोसेस था वो बहुत कॉस्टली था तो अगर एल्युमिनियम को बनाना कॉस्टली होगा तो ऑफकोर्स वो महंगा होगा बट देन देन टून देर वन यंग साइंटिस्ट जिसने एक बहुत सस्ता प्रोसेस बना दिया जिसे अल्मीनियम आप भर भर के बना सकता है प्रोसेस है बहुत चीप कर दिया जब चीप कर दिया तो एल्युमिनियम के रेट एकदम मतलब गिरे सिल्वर, गोल्ड प्लेटिनम वन ऑफ द वन रीजन इज कोर्स की दे कैन गो जनरेशन ऑन जनरेशन द सेकेंड जनरेशन द सेकंड रीजन इज की दीज आर वेरी रेयर इनकी मात्रा अर्थ पे बहुत सस्ती बहुत कम है बट अगर कोई एस्ट्रॉइड आता है या इधर उधर कहीं भी को, कोई आता है और वो अपने साथ गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर लेके कहीं पर से मून पे स्ट्राइक करता है और आपको पता चलता है मून पे तो मतलब गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम तो ऐसे ही मतलब बिखरे पड़े हैं तो उसके जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे एम आई मेकिंग सेंस ऑफ नॉट सो फिर से वन ऑफ द बिग चैप्टर्स वेयर दिस केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज वुड बी हेल्पिंग अस इज मेटलर्जी सो मेटेलर्जी करेंगे क्लास नाइन्थ में उसमें जो चैप्टर है उसमें ये रिएक्टिविटी सीरीज फिर आपको बताई जाएगी अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक फिर से मैंने एक इंडिकेशन तो आपको ये भी दे दिया कि एक और चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका यूज किया जाएगा तो ये जो केमिकल जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये कुछ तीन दो तीन चैप्टर्स में बहुत काम आती है और इसका इसका एसेंस समझिए इसका एसेंस ये है कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो पागल है मतलब एबनॉर्मल abnormal है एबनॉर्मली रिएक्टिव है तो जैसे आपके साथ मैंने शायद वीडियो देखा था वो सोडियम लिया उन्होंने सोडियम लेक में फेंक दिया और बड़ा 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 कर ठीक है एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये हो जाता है कि जैसे एक और क्वेश्चन बनता है शायद आपके साथ मैंने डिस्कस भी है कि किया है जैसे सोडियम जो है वो आप एयर के साथ छोड़ते ही नहीं है जो सोडियम है वो कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है तेल में स्टोर किया जाता है ताकि एयर के कॉन्टेक्ट में वो आए ही ना ये इतने दुष्ट लोग हैं इनको आप हाथ नहीं लगा सकते आप इनको हाथ लगाएंगे आपकी उंगली खा जाएगा आपकी उंगली गायब हो जाएगी बहुत ही दुष्ट है, They are called wicked. Wicked elements है। उंगली चबा देंगे आपकी रिएक्ट कर देंगे सो फॉर एग्जाम्पल कभी आपने लिक्विड नाइट्रोजन के आप कभी यूट्यूब के देखी है लिक्विड नाइट्रोजन अगर आपके किसी भी फिंगर को टच करती है तो वो क्रिस्टलाइज बेसिकली आपकी जो आ, आपकी जो उंगली है इट विल टर्न टू चौक आप उसको एम सॉरी जी फ्रॉस्ट बाइट आप उसको टेबल पे जोर से मार के अपनी उंगली तोड़ लेंगे सो so, काफ़ी उन्होंने यूट्यूब पे काफी ऐसे उन्होंने किया हुआ है सो हैव टेकन ना बनाना वो बनाना वो लिक्विड नाइट्रोजन में डाला और फिर उसको जोर से टेबल पे मारते हैं ना मैडम आई डोंट थिंक सो बिकॉज उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम है वो पता नहीं मैडम और आई uh, थिंक एक ये कुछ ये भी करते हैं uh, कुछ आइसक्रीम वगैरह भी बनाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के वो भी कुछ है वो सब भी है आई थिंक think... तो ये जो है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है काफी काम आती है कंसेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिए कि ऊपर वाले जो हैं वो बहुत रिएक्टिव है जरूर एबनॉर्मली रिएक्टिव है नीचे वाले जो हैं वो एबनॉर्मली अनरिएक्टिव है बात ही नहीं करना चाहते जो बीच वाले हैं उनमें हिसाब किताब है भाई उसमें भी शायद उन्होंने वन ऑफ द रीजन माइट भी आई एम नॉट श्योर वन ऑफ द रीजन माइट भी कि बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है कभी मुझे याद रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन अर्थ कुछ बड़े लिमिटेड से एलिमेंट्स हैं जो कि एक सब्सेंशियल अमाउंट में अर्थ में पाए जाते हैं वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने मैप बना के रखा हुआ है मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना एलिमेंट अर्थ पे पाया जाता है यार कहने को सौ एलिमेंट है बट सौ एलिमेंट मिलते नहीं है हैं, दस पंद्रह एलिमेंट ही बाकी तो स्टोरीयां ऐसी चलती रहती हैं मिलते ही नहीं एलिमेंट्स मतलब उनकी कोई वो ही नहीं, आ, दप, उनका कोई वो नहीं है Am I तो जो मिलने, आप जो मिलने वाले यार उसी को डालेंगे ना जो आपको कहीं मिलता है अब आपको जो कॉमन रिएक्शन में आपके यूज ही नहीं होता जिसका कोई मतलब सर हनटिल आप उसके पीछे पड़े और फिर उसको ढूंढ के लाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स है वो यही कॉमन एलिमेंट है इन की होते हैं तो इन्हीं की बातें होती है आज के दिन इंडिया में कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग हैं जिनकी बात हो, बात होती है झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है मिस्टर जानी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है आपको पता है केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया <laughs> ना वो जेल से वापस आ गया दब अब वो सीएम भी नहीं है उसने रिजाइन कर दिया अब कोई और आ गया द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आप उन्हीं के बारे में पता है जिनकी न्यूज चल रही होती है जो कुछ ना कुछ ताम झाम कर रहे होते हैं वो बस लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है तो जैसे लोगों को आज भी ये लगता है कि केजरीवाल जो है वो सीएम है रिजाइन कर दिया उसने अब उसकी दूसरी बंदी आ गई है आप समझ पा रहे हैं तो उन्हीं लोगों की बात चल रही है जो कि आपको हर हरस देखे जाते हैं जिनकी ज्यादा बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होता है प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का विश्वजान अरे वाह समझ गए ना पॉइंट समझ गए तो ये जो लोग हैं ये यूजुअली पाए जाते हैं इसलिए इनकी बातें होती हैं यहां तक ठीक है हैव 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 आई आई मेड यू यू बीन एबल टू कन्विंस गाइस कि क्यों इसको रटना जरूरी है तो इसको रट लीज आपके फायदे आपका फायदा रहेगा अब देखिए आपकी बुक में भी है मैं अभी आपको दिखा देता हूं इसमें सब्सेंशल टाइम में लगा रहा हूं इसीलिए कि रिएक्टिविटी सीरीज जब दोबारा कभी आएगा मैं इतना टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगाऊंगा ये जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ दिस विल बिकम आर बेस डिस्कशन सो तीन महीने बाद कभी हम ये बात करेंगे तो दिस वुड बिकम द बेस लेक्चर ये लेक्चर आपको देख के आना पड़ेगा देन विल स्टार्ट ऑन दिस विल बेसिकली वर्क ऑन दिस मेरी बात समझ में आ गई तो अगर आप देखेंगे यार किसी भी रिएक्शन में आप देखेंगे तो जैसे लेट लेटस अज्यूम ऑक्सीजन का रिएक्शन या डेल्यूट एसिड्स का या वाटर का ये तो मेटलर्जी की बात चल रही है बट जैसे आप वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए अब वाटर में भी यार तीन चार तरह के वाटर हो सकते हैं एक तो कोल्ड वाटर हो सकता है है ना एक हॉट वाटर हो सकता है एक स्टीम हो सकती है है ना तो जो ऊपर वाला जैसे लिथियम पोटेशियम बेरियम कैल्शियम वो तो बावले हैं वो तो बस वाटर को देख के पागल हो जाते हैं तो डू यू थिंक यू रिक्वायर स्टीम नो यू डोंट रिक्वायर स्टीम वो तो पागल है किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे तो कोल्ड वाटर भी आप अगर उनको देंगे तो उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे नहीं समझ में इलेवन ट्वेल्थ हुए मैं बॉयज ओनली कॉलेज में था लड़कियां थी नहीं तो हमारे यहाँ पुलिस कांस्टेबल जब आती थी तो हमारे कॉलेज की सारी खिड़कियां खुल जाती थी बिकॉज लड़के वो पुलिस कांस्टेबल जो लेडी पुलिस कांस्टेबल है उन्हीं को देखना शुरू कर देते थे इतनी बुरी हालत थी समझ पा रहे तो ये बेचारे

ऑफ कोर्स वही तो मैं आपको कह रहा हूं सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे अगर आप कोई नीचे वाला पकड़ लें जैसे लेट अस अज्यूम टिन और लेड वाला लेट अस अज्यूम मैं एक वेरी कंसेप्चुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ भाई वो जैसे आप मैडम कह रही हैं कि आइस के साथ वो तो रिएक्शन करना नहीं चाहता आप स्टीम लेके आएंगी तब जाके वो रिएक्शन करेगा बट ये लिथियम पोटेशियम वाले तो ऐसे दुष्ट लोग हैं कि आप तो इनको हवा भी नहीं दिखा सकते एयर भी नहीं दिखा सकते आप तो एयर में इनको स्टोर भी नहीं कर सकते समझ पा है? रहे हैं तो अगर आपने जैसे लिथियम पोटेशियम ये पागलों के सामने एसिड डाल दिया डायल्यूट एसिड डाल दिया तो तोड़ेंगे पूरी लेबोरेटरी चलाएंगे आप आप सो मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमें बताया जाता था कि कुछ कंपाउंड्स को बहुत ही मतलब यू हैव टू हैंडल विद केयर अब मेरे जो आसपास सारे सारे सरदारी थे चंडीगढ़ में मैं था वो मतलब ऐसे ही गर्म कर देते थे वो टेस्ट ट्यूब में ही आग लग जाती थी आपने टेस्ट ट्यूब लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसको डायरेक्ट बंसन वर पे उसको कर दिया वो पूरी टेस्ट ट्यूब में आग लगी भाई ने क्या किया वो पूरी जलती हुई टेस्ट ट्यूब में जो भी लिक्विड के साथ उसको वॉश मेसन में

मैं तो स्टिल आई वो एटीन नाइनटीन जब यह तमाशा हो रहा था तो आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन की वो टेस्ट ट्यूब वो गिरी मेरे सामने वो पूरी वॉश बेसन में आग लगी फिर वो नीचे गया फिर वो पाइप में पूरी आग लगी है प्लास्टिक की पाइप में और वो ऐसे बड़ी बड़ी शेल्व होती हैं और उसके नीचे आग ना भाई वो वॉश बेसन के नीचे जो प्लास्टिक की पाइप है उसमें आग लगी हुई है और नीचे कनेक्शंस हैं तो तभी वो भाग के आया वो हमारा जो लैब है होता था वो आया उसने वो फायर इंग्लिश से सारा वो किया और दो थप्पड़ लगाया उसको 20 30 इयर्स बैक थप्पड़ लगाना भी ठीक था जनता ये बोलती थी दो के उसके तीन लगाओ समझ पा रहे हैं जो मैं कह नहीं कुछ कर रहा हूं तो जो पानी को देख के पागल है वो डाइल्यूट एसिड को देख के तो मतलब किसी और ही प्लेनेट पे चला जाएगा सोच पा रहे हैं सो so, आप जब भी रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमेशा ऐसे देखें कि इसमें काफ़ी क्लूज हैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक आता है उस टॉपिक में अभी आपके नहीं है बट जब वो टॉपिक हम करेंगे तो फिर से मैं आपको बोलूंगा कि है क्या डिस्प्लेसमेंट Displ रिएक्शन आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मैडम कोई डाउट है कोई कुछ बोलना चाहता है ऐड करना चाहता है बताइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ही आपको दे देता हूँ अगर आप कह रहे हैं कि काफी है आपके क्वेश्चन आते हैं तो जो सबसे हिट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पार्क में बैठा हूं ये मैं सबको सुनाता हूँ आई फाइंड आई माई सेल्फ फाइंड इट वेरी फनी तो नहीं वो चाहता नहीं जोक सुनाना तो पार्क में मैं बैठा हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है और ये आ गया ऋतिक ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन मिस जानी मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ बैठेगी या ऋतिक के पास भागेगी अब ऋतिक रोशन साथ में उसकी गर्लफ्रेंड और ये आ गया मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड मुझे देख के भागेगी पॉसिबल है ए तू पालू की बात मत कर पॉसिबल है वही तो पॉसिबल है उसकी गर्लफ्रेंड मुझे देख के क्यों भागेगी वो तो पाँच हजार दस हजार करोड़ की पार्टी है यार मुझे देख के क्यों भागेगी नहीं सोना सो so इसमें द पॉइंट इज मैग्नीशियम सल्फेट है अब देखिए इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक मैग्नीशियम सल्फेट है मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट का सल्यूशन उसमें कॉपर डाल दिया आपने कॉपर की रॉड डाल दी कुछ रिएक्शन नहीं होगा नहीं समझ में आया भाई कॉपर यहाँ पर है मैग्नीशियम जहाँ यहाँ पर है बैडम समझ पा रहे हैं आप तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है जो मैग्नीशियम है वो सल्फेट को छोड़ेगा ही नहीं कॉपर जो मरीज डांस करता रहे नहीं समझ में आया भाई ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठी है मुझे देख के क्यों भागेगी अगर भागेगी तो उसके कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है शी नीड्स हेल्प एक्चुअली मैं ही भाग जाऊंगा अगर मुझे देख के भागेगी तो <laughs> ये ऐसा कि कॉपर सल्फेट है और आपने मैग्नीशियम डाल दिया आ गया ऋतिक नहीं सोन में ऋतिक लेके भाग गया मेरी गर्लफ्रेंड को मैं बैठा हूं पर, जैन साहब को फोन कर रहा हूँ लेक्चर छह बजे टाइम पे आ जाना बताइए तुझे 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 तुझे, 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 तुझे चेयर से उठा के तुझे बैठा दो वो वो दैट इज आई एम आस्किंग व्हाट वो सिंपल है यार वो तो आई थिंक डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ ऐसा है कि uh, ऐसे रिएक्शन होते हैं ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी तो मिस्टर जानी मिस्टर जानी मिस्टर जानी की गर्लफ्रेंड मिस्टर जैन मिस्टर जैन की गर्लफ्रेंड डिस्क में गए और मिस्टर जानी की गर्लफ्रेंड बिच कर रही है मिस्टर जैन से मिस्टर जानी के बारे में और मिस्टर और से वर्षा तो वो बोलते हैं ठीक है यार डिस्क में मिस्टर जैन जो हैं वो मिस्टर जानी की गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे हैं और तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट तो ए बी प्लस ई डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी ये या पर्टिकुलर एलिमेंट्स के हैं वो आप देख लीजिए क्या होता है। हाँ कुछ इसी सब होगा इसमें ये सब होगा बात समझ आ गई भाई ये ये जो है इस बहुत क्वेश्चन बनते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट डिस्प्लेसमेंट में बहुत क्वेश्चन बनता है तो उसमें भी जो जो रेफरेंस लिया जाता है वो इसी का लिया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज का लिया जाता है एक बहुत अच्छा मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस बार बार आते हैं उसमें यही यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये रिएक्टिविटी सीरीज ही यूज होती है कोई कुछ बोलना चाहता है ऐड करना चाहता है अपना ज्ञान देना चाहता है ठीक है तो मोर लेस यार वी हैव कवर्ड द जितना हमें चाहिए था वो हमने कर लिया आ, मैं अब आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हाउ डज इट वर्क तो आप ए देखिए तो देखिए जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो हाँ एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी मिस्टर जानी ने एक क्वेश्चन पूछा था तो एक चीज़ और बतानी थी अब जैसे कई बार क्या होता है जैसे आप एलुमिनियम लेते हैं ये भी एक क्वेश्चन आता है आईसीसी वालों में आता है आपका पता नहीं पूछते नहीं पता है? पूछते है? तो जैसे एलुमिनियम आप लेते हैं ओहो एक सेकेंड ये जो मेरा लैपटॉप है मेरे साथ रशियन रूलेट खेलता है सडनली बंद हो जाता है पूरी रिकॉर्डिंग बर्बाद कर देता है तो एल्युमिनियम अगर आप लेते हैं एल्युमिनियम जो है एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एक सरफेस पे एक कंपाउंड बना लेता है उसके बाद अंदर का जो एल्युमिनियम है वो बचा रह जाता है बिकॉज बाहर की जो ऑक्सीजन है वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाती वही समझ पा रहे हैं सो so, एक आपने एक क्वेश्चन पूछा था लिथियम को हमने रख दिया ओपन में तो क्या होता है कुछ ऐसा होता है तो ये देखिए अब इसको देखिए जो मैं बार-बार रहा समझिए समझिए देखिए सोडियम बर्न्स विगरसली मैग्नीजियम विदाउट हीटिंग जिंक जब तक आप नीचे आएंगे गोल्ड तक नो रिएक्शन रिएक्शन गेट्स लेस फिगरस शांत हो गया अब जैसे मेटोलॉर्जी में हाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो ये लगा था कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम है दे वर फाउंड मच मच बिफोर देन द अदर एलिमेंट्स बिकॉज ये अनरिएक्टिव थे इनके जो ओरस थे वो आपको आराम से मिल जाते थे बिकॉज ये प्योर uh, फॉर्म में मिल जाता था गोल्ड आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ रिएक्ट करके बैठा हुआ है स जैसे जिंक को आपको निकालना पड़ेगा और से निकालना पड़ेगा कुछ रिएक्शन करके जिंक अगर आप एज एलिमेंट चाहते हैं तो उसको निकालना पड़ेगा बट जो गोल्ड और प्लेटिनम है वो तो आपको मिल ही जाएगा एक समझ में आ रहा? आपको पता होगा नहीं पता होगा जैसे सिल्वर है वो ब्लैकन कर जाता है रिएक्ट कर जाता है गोल्ड और प्लेटिनम नहीं करते हैं तो जैसे अब मैं एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ शायद आपको पता हो नहीं पता हो मैं एक बार दिखा दिखाते दूँ कॉपर तो के बर्तन अगर आपके घर पे यूज़ होते हैं थर्मस यूज़ करते हैं या बॉटल यूज करते हैं आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं तो ये कॉपर का जो है ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है हरा सा होना शुरू हो जाता है तो मेड आती है या मॉम या मॉम इसी सफाई करते हैं तो एकदम शाइनी हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ कितना शाइनी हो जाता है इसको कंपेयर कीजिए दूसरे से ये सारे ये सारे क्वेश्चन हैं okay. है जो बनते हैं भाई यहां तक ठीक सो रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बोल भाई आई थिंक टॉक्सिक यार आपको ये नहीं बताना कि वो जो कंपाउंड बना है वो टॉक्सिक है या नहीं है जैसे अब आप टेफ्लॉन है वो टेफ्लॉन कंपाउंड है आप जो नॉनस्टिक आपका जो कुकवेयर है वो टेफ्लॉन है वो टेफ्लॉन जो है वो एक कंपाउंड है जी बताइए ऑफ आई थिंक ये जो कॉपर पे जो ग्रीन कलर का है वो कॉपर सल्फाइड होता है मोस्ट प्रोबेबली वही है गूगल करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स हैं यूरोप की जिसमें जो रूफ्स हैं वो कॉपर की हैं और वो बिल्डिंग जो हैं वो ग्रीनिश अब धीरे धीरे वही भी तो आप मैं आपको बता रहा हूं दो तीन महीने बाद इसको देखेंगे तो फिर से वो ग्रीनिश हो जाता है फिर मेड वो पाउडर यूज़ करती है उसको साफ़ करती है आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके आसपास रिएक्शन हो रहे हैं अगर आप ये इसके सिल्वर के टॉप्स डालते हैं या मॉम डालते हैं आजकल काफ़ी फैशन है सिल्वर वेयर डालते हैं तो वो ब्लैकन हो जाता है तो फिर मॉम जो है उसको सफाई करता है नवरात्रि है तो शायद अगर मॉम ने कोई ज्वेलरी निकाली हो गरबा वगैरह के लिए तो वो साफ़ करके निकालता है तो कोई डाउट है मित्रों तो ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोल्ड वाटर की तो विगरेसली करेगा स्लोली करेगा रिएक्ट नहीं करेगा या स्टीम के साथ करेगा और तो ये सब ज्ञान जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज से ही आता है फिर एसिड्स का देख लीजिए एसिड्स में भी वही हिसाब किताब है ट सो so, हर बार उसको याद करने की जरूरत नहीं है एक सेंस समझ लीजिए आपको आइडिया हो जाएगा रिलेटेड तो आपकी बुक में ये दिया हुआ मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर लंबी वाली करेंगे तो बेटर है कॉपर जो है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो है कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे गोल्ड है उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे टीवी है यहाँ पर इसमें गोल्ड के जी गोल्ड के वेल्डिंग uh, होती है तो अब गोल्ड जो है वो एक्सपेंसिव है हर जगह आप गोल्ड इतना मतलब ज्यादा नहीं लगा सकते तो कॉपर जो है वो नियरेस्ट है सो इट्स अ गुड कंडक्टर आपके घर में जो वायरिंग है तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ थी टोल कॉपर वायर फ्रॉम दिस ट्रेंच तो दुष्टों ने दुष्ट थीज ने कॉपर की वायर छुरा ली बिकॉज ये बिकती है बताइए यार मुझे पता नहीं मुझे नहीं पता मुझे पता नहीं बट यू आर राइट कनेक्टिविटी उनकी ज्यादा है तो मुझे रीजन नहीं पता होगा कोई रीजन तो एक वर्ड लिखा हुआ इनर्ट इनर्ट मतलब भर नहीं पड़ता हिलता ही नहीं अब जैसे ये आप डिटेल में करेंगे अभी तो दो मिनट के लिए आपको बता दिया जाएगा सो so, ये एक बहुत मतलब नाइन टेंथ का बड़ा एक हिट क्वेश्चन बनता है ये सक्रीफिफिशियल सेक्रीफिशियल पता नहीं एनोड बोलते हैं कैथोड बोलते हैं क्या बोलते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ तो शिप आपने बनाई हुई है आयरन की अब आप चाहते हो कि वो जो शिप का आयरन है वो पानी के साथ रिएक्ट ना करे तो आप क्या करते हैं उसमें जिंक के ब्लॉक्स लगा देते हैं ये आप देख रहे हैं तो जो पानी है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है नहीं समझा यहाँ तो 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 अरे यार फिर से मैं एक वेग सा एग्जांपल दे देता हूँ देखो आपको समझ आया नहीं है? आ, आ, जानी को चोरी करने की आदत है ठीक है तो आपका एक बड़ा कॉस्टली पेन है उसको बस चोरी करनी है तो आप ना अपने पास दो पेन रखते हो एक प्लास्टिक का और एक कॉस्टली वाला उसको तो चोरी करनी है प्लास्टिक वाला ज़्यादा यूज करते हो वो तो चोरी कर लेता है आपका प्लास्टिक का पेन चोरी कर लेता है जो कॉस्टली पेन है वो आपके पास रह जाता है नहीं समझ में क्लैप्टोमिया है जानी जो है क्लैप्टोमेनिया क्लेप्टोमेनिया कैसे होते हैं उनको मतलब चोरी करने की आदत होती है अब जैसे जानिए अगर क्लेप्टोमेनिया कहना तो उसको मेरे घर में कुछ ना कुछ चोरी करना है। तो अब मैं उसके आसपास वही चीजें रखूंगा जो कि सस्ती सी हैं जैसे बिस्लेरी की बोतल रख दी या ऐसे मतलब फालतू की चीजें रख दी तो उसको बस चोरी करना है बट जो काम की चीज़ है वो मैं पीछे रख दूंगा मेरी बात समझ पा रहे हैं आप तो आप जिंक को तो उसको क्या बोला जाता है उसको ये आप डिटेल में करेंगे नाइन्थ में क्या बोलते हैं जिंक इज सेक्रीफाइस टू सेव द आयरन सो इट इज कॉल्ड द से प्रोटेक्शन तो जिंक के साथ बेसिकली पानी को आप जिंक के साथ रिएक्ट करा देते हैं वो आयरन को छोड़ देता है फिर ऑफ कोर्स आपको उसको चेंज करना पड़ेगा जिंक को चेंज करना पड़ेगा कुछ बोलना चाहते हैं जानिए आप कुछ बोलना चाहते हैं देखो भैया कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप गूगल पे जाके और रेपिट होल में और अंदर जा सकते हैं फिर आता है लेड की बात और रेड के बारे में क्या बात चल रही है तो कुछ ऐसे हाइपोथेसिस की बात चल रही है और हाइपोथेसिस uh, चेक की बात कर रहे हैं कि लेड इज बिटवीन जिंक एंड कॉपर इन द सीरीज़ आई थिंक दिस इज बिकॉज लेड एंड जिंक बबल मोर स्लोली देन जिंक एंड एसिड एंड कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड तो ये पढ़ लीजिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ इसके अंदर कुछ आपको नहीं समझ आएगा तो मंडे को बात कर लीजिए तो ये जो है ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एक्टिविटी सीरीज के बारे में बिकॉज अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काम का टॉपिक है मित्रों यहाँ तक तो कोई डाउट है तो चैप्टर जान के मैंने बीच में से शुरू किया उसके बाद स्टार्ट करते हैं यहां से चैप्टर के शुरू में 야너 그거 이거지 몰랐나